स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको डिग्री मेजर फाइंड करनी है रेडियन से। फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें रेडियन मेजर फाइंड करनी थी डिग्री मेजर से, तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। देखते हैं इसमें फर्स्ट पार्ट इसका दिया है 11/16 रेडियन। 11/16, देखो जब रेडियन लिखा हो तो भी रेडियन होगा एंगल, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो भी वो रेडियन है, डिग्री नहीं होगा। डिग्री तभी होगा जब इस तरह से ये सर्कल या जीरो ऊपर बना होगा। तो 11/16 रेडियन को हमें चेंज करना है डिग्री में, इक्वल टू 11/16। तो रेडियन को मैंने स्टूडेंट बताया कि 180/π से मल्टीप्लाइड करते हैं, जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180/π, अब ये हो जाएगा आपका डिग्री, इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर पाई की जगह 22/7 हमेशा यूज करेंगे हम, पाई इक्वल टू 22/7। तो ये 11 × 180/16 × 22/7 और ये आ गया आपका डिग्री। अब देखो 7 कहाँ जाएगा 11 के साथ में, तो ये हो जाएगा 11 × 180 × 7/16 × 22। अब वही सिंपली जो करते हैं, सिंपलीफाई करना है ऐसे, तो देखो किससे क्या कैंसिल हो सकते हैं, 11 है ये, तो 11 2 या 22 होंगे, और ये आपका 2 से हो जाएगा 90 टाइम, और 2 से ये हो गया 8 टाइम, और 2 से होगा ये 45 टाइम, और थोड़ा मल्टीप्लाइड कर लें, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 28 और 3 हो गया 31/8 डिग्री। तो अभी देखो ये एग्जैक्ट डिग्री में नहीं आया है, तो हम इसे एग्जैक्ट डिग्री में चेंज करते हैं, तो क्या करें हम यहाँ 315 को डिवाइड करें पहले 8 से, ये रफ वर्क होगा आपका, 315 को 8 से डिवाइड करना है, 8 × 3 = 24, 9 × 11 = 7, 5 × 8 = 9 = 72, तो ये 3 रिमाइंडर आ गया, यानी कि क्या हुआ हमारा, इसे हम लिख सकते हैं 39/8 डिग्री। मिक्स्ड में हमने चेंज कर लिया तो ये आ गया हमारा 39/3/8, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 39/3/8 डिग्री, या इसी को हम लिख सकते हैं 39 degree + 3/8 degree। अब ये 3/8 डिग्री है, डिग्री के बाद मिनट आता है, इसे अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो 1 degree इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाइड कर देंगे इसे, तो ये हो गया हमारा 39 degree + 3/8 × 60, और ये हो गया मिनट। अब इसे कैंसिल कर लो, 4 × 2 = 8 और 4 × 15 = 60 होते हैं, तो ये आ गया आपका 39 degree + 50, ये क्या आया, ये देखो मिनट है, ये 151 मत समझ लेना इसे, ये 60 मिनट था, छोटा सा डैश बनाते, तो 15 × 3 = 45/2 मिनट में चेंज हो गया ये 45/2 मिनट। अब जैसे इसे हमने चेंज किया था, तो इसे अगर हम 45 को मिक्स्ड में चेंज करें तो अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, और ये हो गया 5 × 2 = 4, 1, तो ये हो जाएगा 22/1/2, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर
39 डिग्री, इसको थोड़ा इरेज कर लें, यहाँ ऊपर से चलते हैं 39 डिग्री प्लस 22 होल 1/2 डिग्री, तो इससे हम लिख सकते हैं 39 डिग्री, सॉरी अब ये डिग्री नहीं था, मिनट था, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट, तो डिग्री आ गया, मिनट आ गया, अब सेकंड में करना है ऐसे, तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 इसे सेकंड में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाइड कर देंगे और ये सेकंड हो गया, तो 2 से ये 30 टाइम कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकंड, या इसको और थोड़ा आगे रिफॉर्म करके लिख सकते हो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, ये आपका कन्वर्ट हो गया रेडियन डिग्री में, तो समझ चुके होगे, आगे और पार्ट कराएंगे तो ठीक से आ जाएगा, नोट डाउन इट। तो इसका सेकंड पार्ट दिया है -4 रेडियन, तो वही फिर करते हैं, देखो -4 रेडियन इनकी -4 इंटू 180 अपॉन पाई और ये डिग्री हो जाएगा, -4 इंटू 180 अपॉन 22 अपॉन 7 ये डिग्री रहेगा, इक्वल टू -4 इंटू 180 इंटू 7 और ये हो गया आपका 22 और ये ब्रैकेट लगा के अब यहाँ डिग्री यहाँ लगा दो तो होल पर डिग्री हो गई। अब सॉल्व करना है वही पुराना मेथड है 2 2 जा 4, 2 से ये 11 टाइम, अब शायद कैंसिल नहीं होंगे, तो 7 2 जा 14, 180 इंटू 14 अपॉन 11 और ये आपका आ गया डिग्री, इक्वल टू -14 जीरो का जीरो, 14 8 जा 112, 14 1 जा 14 और 11 हो गए 25 अपॉन 11 और ये आ गया आपका डिग्री। तो ये देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे फिर हम चेंज करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 2520 को डिवाइड कर दें 11 से, 2520 को डिवाइड कर दें 11 से, तो 11 2 जा 22, 32 हुए, 11 3 जा 33 नहीं होंगे, 11 2 जा 22 होंगे, तो ये आ गया 100, 11 9 जा 99, तो ये आ गया 1, इसे हम लिखेंगे 229 होल 1/11, तो ये आ जाएगा -229 होल 1/11, इसको आसानी से करना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करना है नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, तो -129 होल 1/11 डिग्री, तो इसे हम लिख सकते हैं -229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। ये देखो हम माइनस को बाहर कर चुके हैं, ऐसे अगर आपने ऐसे कर दिया कि -229 तो ये ठीक नहीं होगा, रॉन्ग होगा ये, तो आगे इसे देखो करते हैं -229 डिग्री प्लस ये 1/11 डिग्री है, इसको चेंज करेंगे मिनट में तो 1 इंटू 60 अपॉन 11 और ये मिनट हो जाएगा आपका, तो इक्वल टू -229 डिग्री प्लस 60 को 11 से डिवाइड करेंगे, जब 60 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 5 जा 55, तो 5 होल 5 अपॉन 11 मिनट, तो इसको भी देखो एक्सपेंड करके लिखेंगे तो 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5 अपॉन 11
मिनट इक्वल टू माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट, इसको अब सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 60 अपॉन 11 और ये हो जाएंगे सेकंड। तो यानी कि ये हो गया 300 अपॉन 11, तो माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 300 अपॉन 11 ये आपका आ गया सेकंड। तो 300 अपॉन 11 सेकंड है ये, इसको आप जब डिवाइड करोगे 300 को 11 से, तो 300 को 11 से डिवाइड करना है तो 11 टू जा 22, 8 11 7 और 11 टू जा। अब देखो सेकंड से छोटी मेजर इसमें कुछ होती नहीं है, बहुत ही माइनर यूनिट होगी, तो 27.2 को नियर अबाउट हम 27 ही मान सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 27 सेकंड, और यह इसको हम लिख सकते हैं 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। ये आपका जो रेडियन में मेजर था वो डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। नोट डाउन इट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं आपका थर्ड और फोर्थ पार्ट, इसमें देखो पाई आ गया साथ में, तो ये और भी आसान हो गया करना। हम क्या करेंगे, 5 अपॉन 3 पाई मल्टीप्लाइड करते थे 180 अपॉन पाई से, तो पाई हमारा कैंसिल हो जाने के कारण ये आसान हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 इंटू ये 60 टाइम हो गया 60 डिग्री, तो ये आपका आ गया 300 डिग्री, ये एग्जैक्ट डिग्री में आ गया। अब इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी तरह से देखते हैं 7 पाई अपॉन 6 रेडियन इक्वल टू, सॉरी अब सीधा डिग्री में करना, तो 180 अपॉन पाई डिग्री, पाई से पाई कैंसिल, ये 6 3 जाए 30 टाइम गया, तो इक्वल टू 210 डिग्री। तो ये स्टूडेंट आपके टू टाइप के क्वेश्चन हुए, एक डिग्री मेजर को रेडियन में चेंज किया, दूसरा रेडियन मेजर को डिग्री में चेंज किया। करना केवल यही था, जब हम डिग्री से रेडियन में चेंज करते थे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाइड करते थे, और जब हम रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाइड करेंगे। थैंक यू, नोट डाउन इट।